नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा YouTube के स्टोरी टर्मिनल चैनल में आज बात करने जा रहा हूँ उस किसान के बेटे की और उस मिमिक्री कलाकार की जो YouTube पर आम इंसान से 5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज वाला कलाकार बना, जिसके ऊपर ये पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती है। तो दोस्तों कहते हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। आंधिया सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी बस तू जरा कोशिश तो कर। तो दोस्तों ये जो कोशिश और हिम्मत शब्द है ये कमजोर लोगों की डिक्शनरी में नहीं होते हैं, ये शब्द तो श्याम रंगीला जैसे लोगों के दिलों पे राज करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी मिमिक्री करने वाले शख्स श्याम रंगीला की। तो दोस्तों 25 अगस्त 1994 वो तारीख है, इस दिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सबसे परफेक्ट मिमिक्री करने वाले मिमिक्री कलाकार श्याम सुंदर उर्फ श्याम रंगीला का जन्म हुआ। इनका जन्म बलिदान और त्याग के लिए मशहूर वीरों की भूमि राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा शहर के एक छोटे से गांव माणक थेरी में हुआ। इनके पिता का नाम जवाहर लाल है जो एक किसान है। श्याम रंगीला की 8वीं कक्षा तक की शिक्षा माणक थेरी जो कि इनका गांव है वहीं हुई है। श्याम का बचपन से ही कॉमेडियन बनने का सपना था। दोस्तों एक मारवाड़ी कहावत है ना कि तूत का पग पालना में ही दिख जावे, और श्याम रंगीला के ऊपर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि श्याम अपने बचपन में जब ये स्कूल में थे तब ये स्कूल टीचर की और अपने परिवार के सदस्यों की मिमिक्री करते रहते थे। तो श्याम ने अपने इस हुनर को पहचाना और अपने हुनर में और 4 चांद लगाने के लिए सूरतगढ़ में 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद एनिमेशन और थिएटर का कोर्स करने के लिए जयपुर आ गए। 2012 से 2015 तक जयपुर में ही कोर्स किया। खेती के साथ कुछ अन्य समस्याओं के कारण इन्होंने 2013 में अपने गांव को छोड़ दिया और एक नए गांव में चले गए। श्याम रंगीला का परिवार वर्तमान में राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के रायसिया नगर शहर के मोकाम वाला गांव में रहता है। शुरुआत में ये बॉलीवुड कलाकारों और राजनेताओं की मिमिक्री करने लगे थे जो आज के युग में एक कॉमन बात हो गई है, क्योंकि बहुत से कलाकार बॉलीवुड कलाकारों और राजनेताओं की मिमिक्री करते हैं। लेकिन इन्हें पता था कि अगर दुनिया में कुछ अलग पहचान बनानी है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। उस समय नरेंद्र मोदी को भी पूरे भारत में पहचान मिल रही थी। नरेंद्र मोदी की रैलियों में बहुत भीड़ आ रही थी, सब जगह मोदी में हिंदुस्तान हो रहा था, और इसी अवसर का फायदा श्याम रंगीला ने अपनी कला में जोड़ा और नरेंद्र मोदी की मिमिक्री पर बहुत मेहनत की। और वर्ष 2014 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तब इन्होंने मोदी की मिमिक्री का वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया और दुनिया के सामने पहली बार श्याम सुंदर आए। इनके इस वीडियो को लोगों ने पसंद भी किया लेकिन दिलों पे राज नहीं किया। श्याम ने अपनी मिमिक्री पे और काम किया और इसके बाद वो साल आया जब श्याम सुंदर से श्याम रंगीला बन गए और इनका एक वीडियो गोलगप्पे वाला और मोदी जी की कॉमेडी बहुत फेमस हुई और श्याम रंगीला को एक नई पहचान मिली। अब श्याम रंगीला को हर कोई जानने लगा और श्याम रंगीला को अब कॉमेडी स्टेज पर भी मौके मिलते गए। इन्होंने 4 दिसंबर 2011 को अपना यूट्यूब चैनल बनाया, लेकिन इनके चैनल को पहचान वर्ष 2015-16 में मिली थी जब इनके चैनल पे गोलगप्पे वाला और सोनम गुप्ता बेवफा है के वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गए थे। अब हर कोई श्याम रंगीला की कला का कायल हो गया था। अब श्याम ने अपने कदमों को और गति दी और अपने बचपन के सपनों को साकार करने के लिए वर्ष 2017 में स्टार प्लस के रियलिटी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में गए, लेकिन एंड मोमेंट पे इनको प्राइम मिनिस्टर की मिमिक्री करने से मना कर दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करती है, पर शर्त यह है कि आप अपने मुकाम से एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटने चाहिए। और श्याम रंगीला भी पीछे हटने वाले लोगों में नहीं थे।
इनके पास समय की कमी थी, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी की मिमिक्री करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और इनकी राहुल गांधी की मिमिक्री स्टाइल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि ये शो नहीं जीत पाए थे, लेकिन इन्होंने अपने मुख्य किरदार को छोड़ के दूसरे किरदार को निभाया, वो भी बहुत कम समय में। ये लोगों को बहुत रास आया और इस शो की वजह से श्याम रंगीला को बहुत सहानुभूति मिली और इनके YouTube प्लेटफॉर्म के वीडियो पे लाइक्स और व्यूज की संख्या भी बढ़ने लगी। अब श्याम रंगीला एक राष्ट्रीय कलाकार बन गए थे। तभी भारत के बहुत बड़े टीवी न्यूज चैनल आज तक के साथ वर्ष 2017 में साहित्य आज तक में परफॉर्म करने का भी इनको मौका मिला। वर्ष 2018 में इन्होंने द प्रिंट के शो डेमोक्रेसी वॉल में भी गए और अपने जीवन में एक मुकाम और हासिल किया। श्याम रंगीला अब एक छोटे से गांव के किसान का बेटा दिन प्रतिदिन नए मुकाम हासिल कर रहा था। इनके YouTube के लगभग सभी वीडियो पे मिलियन व्यूज है। इनका मोदी जी सपने में आते हैं वीडियो पे तो 17 मिलियन से ज़्यादा व्यूज है। इनकी लोकप्रियता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके चैनल पे अभी 785,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और 5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज है। 16 फरवरी 2021 को जब श्रीगंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल के भाव 100 रुपये से अधिक चले गए थे, तब इन्होंने वीडियो बनाया था। तब पंप के मालिक ने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी, जिसकी वजह से भी ये सुर्खियों में आए थे। वैसे हमारा मकसद कौन सही है कौन गलत है ये साबित करना नहीं है, हमारा उद्देश्य तो किसी आम इंसान से अपनी मेहनत के बलबूते पर दुनिया में पहचान बनाने वाले श्याम रंगीला की मोटिवेशनल स्टोरी आपके सामने रखने से है। तो दोस्तों, जिंदगी में समय कैसा भी चल रहा हो, इंसान को अपने अंदर छुपे हुए एक्स फैक्टर को कभी कम नहीं समझना चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटे से गांव के बेटे श्याम रंगीला की सफलता की छोटी सी जानकारी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जानकारी में कोई त्रुटि या कमी हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, हम आपके सुझावों पे ज़रूर अमल करेंगे। नया दिन होगा, नई कहानी होगी और नई जानकारी होंगी। जल्द मिलते हैं अगली कहानी में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।